दोस्तों आपके सामने एक सड़क है, देख सकते हैं, पहले देखें, ध्यान से देखें, ये सड़क है, कोई तालाब नहीं है, कोई नदी नहीं है। और आपको बता दें कि पृथला विधानसभा क्षेत्र का नाम आपने सुना होगा, ये पृथला गांव की सड़क है। गांव वाले बहुत परेशान हैं, लगभग एक हफ्ते से यही हाल है। अब देख सकते हैं अगर इस तरह पानी भरा रहेगा तो लोग कैसे सड़क से निकलेंगे। गांव वालों का कहना है कि अभी तो मानसून नहीं आया, अगर बारिश होगी तो क्या हाल होगा। लोग स्थानीय विधायक पर भी सवाल उठा रहे हैं, जिनका कहना है कि विधायक की हमारी सुनते ही नहीं, हमें दिखते ही नहीं। वो कभी दिखते हैं तो किसी शादी पार्टी में गाते बजाते दिख जाते हैं, जब से विधायक बने गांव में नहीं दिखे। और अभी हमने एक दिन पहले ही दिखाया था पृथला विधानसभा क्षेत्र के मछगर की एक सड़क का हाल, उससे ज़्यादा हाल इस सड़क का बेहाल है। इसी गांव के नाम से पृथला विधानसभा क्षेत्र है। लोगों का कहना है कि हम अधिकारियों के पास भी कई बार गए लेकिन कोई नहीं सुनता, सोशल मीडिया पे कई बार ये वीडियो डाले लेकिन कोई नहीं सुनता, हमारे मुख्यमंत्री जी अपनी पीठ खुद थपथपाते रहते हैं और ऐसे ही उनके विधायक भी हैं। देख रहे हैं क्या हाल हो गया है पृथला का। विधायक जी जरा ध्यान दें, गांव वाले बहुत परेशान हैं, गांव वालों को आशंका है कहीं मानसून में हमारा गांव डूब ना जाए। ये देखें पानी में चल के लोग कैसे आ जा रहे हैं, वही समझ सकते हैं अपना दर्द। अधिकारी भी सिर्फ अपनी पीठ ही थपथपाते हैं, दफ्तरों में बैठे हैं, एसी में, इतनी गर्मी है। और जब आप समझ सकते हैं जब इस समय ये हाल है तो मानसून में क्या हाल होगा। गांव वालों का ख्याल रखा जाए, उनकी समस्या तुरंत दूर की जाए। विधायक नैनपाल रावत जी आप भी जरा देखें, गांव वाले बहुत दुखी हैं।